हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम जो इंडो स्विस यानी कि आईएसटीसी की ब्रोशर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि इसमें क्या एज क्राइटेरिया है और कैसे जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो उसके बारे में। ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, बट इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या रहेगा पेपर का, एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है, और टाइमिंग्स क्या रहेंगी और सीट्स कितनी रहेंगी। तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले एक और सूचना है आपके लिए, हमारा जो 2 मंथ का ऑनलाइन कोर्सेज है जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं आपके कवर अप करवाए जाएंगे। डेली 3 आवर्स की क्लास रहती है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारा ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहता है और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर है, वो आप उन नंबर पे जो है हमारे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वैसे तो ये काफी बड़ा है, यानी कि 57 का ब्रोशर है, हम सारे के सारे डिस्कशन करने वाले नहीं है, हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ, ठीक है, कंटेंट दिया है कि हिंदी में है, उसके बाद परिचय कहनी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि कब अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, 1 मई से ये शुरू होगा और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो जो है 30 मई रहेगी। और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा सकते हो 15 जून को, जो टेंटिव है, यानी कि आगे पीछे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो 2 जुलाई को होगा, ये भी टेंटेटिव है, संडे को रहेगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो 7 जुलाई को आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ई काउंसलिंग जो है वो 26 एंड 27 जुलाई से जो है शुरू हो जाएगी, और आपका जो सेशन है 2023 और 2024 के लिए वो 7 अगस्त को जो है शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी बताया गया है कि COVID-19 के कारण, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो ये जो एग्जाम है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। फिर आपके जो है मैट्रिक बेस पे जो है आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आपके पिता, आपके माता पिता की ईमेल आईडी और आपका जो नंबर है वो सही भरे, ठीक है। अगर आपसे कभी भी कोई भी फर्दर क्या करना हो, फ्यूचर में कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है। तो ये सारी आईएसटीसी के बारे में बातें बताई गई है, तो आप इसमें जो है एक बार पढ़ सकते हो अगर डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे क्या जो है हम इंग्लिश वाले भाग पे जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टोटल सीट्स की बात करें तो सीट्स जो है वो 180 सीट्स हैं, जिसमें कि 27% रिजर्व रहेगी ओबीसी के लिए और 15% जो है एससी के लिए और 10% जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और 7.50% जो है एसटी के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। तो अगर सीट्स की बात की जाए तो इसमें टोटल आप देख सकते हो कि डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन दी डाई एंड मॉड्यूल मेकिंग 4 साल का है, जिसमें कि 30 सीट्स हैं, और एडवांस डिप्लोमा एंड मैक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो है 4 साल का रहेगा, उसमें भी 30 सीट्स हैं। और उसके बाद डिप्लोमा इन दी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि 3 साल का कोर्स रहेगा 60 ईयर के लिए, और डिप्लोमा इन दी मैकेनिकल इंजीनियर टूल एंड डाइस जो कि 3 साल का रहेगा, इसमें भी जो है आपकी 60 सीट रहेगी, ठीक है। तो टोटल आपकी 180 सीट्स जो है बनती हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो बना दी है, आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में आ रहा होगा, तो वहां पर जाके आप कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट बी पास्ट, ठीक है, मैट्रिक आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि किसी स्कूल या फिर किसी बोर्ड से की होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी बच्चे ने यानी कि इस बार 10th के एग्जाम दिए हुए हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। अगर एज की बात की जाए तो बच्चे की जो एज है वो 1 अगस्त 2004 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम एससी और एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो उनकी जो है 1 अगस्त 2001 के बाद का जो है उनका बॉर्न होना चाहिए, तो वो बच्चे जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को,
ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पहले फीस पे यानी कि भर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले आपने कौन कौन सी चीजें जो है सिलेक्ट करनी, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, तो वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके फील्ड आएंगे कि पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल है, फिर उसके बाद उसकी फीस आएगी। तो ये सारी बातें मैंने वहां पर जो है डिस्कशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन अपनी फिलअप करोगे, अपनी फोटो सिग्नेचर, ठीक है, अपना सेंटर जो है चुन सकते हो, यानी कि आपको 5 सेंटर चुनने होंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, नागपुर, चेन्नई। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा चंडीगढ़ के नियर है तो वो चंडीगढ़ भर सकता है, कोई दिल्ली के नजदीक है तो वो दिल्ली भर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेफरेंस दे दी तो वहीं पर जो है आपको आपका सेंटर दे दिया जाएगा। उसके बाद आपने अपनी 10वीं की क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, उसके बाद पासवर्ड सेट करना होगा और फिर जो है सबमिट करना होगा। उसके बाद अपना जो है एडमिट कार्ड बाद में जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 2 जुलाई को रहेगा, जो कि संडे को रहेगा। ठीक है, जो सेंटर बताए हैं वहीं पे लिया जाएगा। ठीक है, अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें मैथमेटिक्स आएगी, साइंस आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज रहेगी। तो ये आपका 10th बेस पे रहता है। ठीक है, 10th बेस पे ही यानी कि करंट अफेयर वगैरह भी रहते हैं जो कि हमारे 10th में नहीं करवाए जाते। ठीक है, तो उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो पैटर्न रहेगा, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या मिलेगा, 100 मिनट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, यानी कि 25% डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपका कोई भी गलत होता है तो आपका जो पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि OMR बेस्ड जो है पेपर रहता है आपका। ठीक है, OMR जहाँ पे बताई भी गई है कि आप जो है किस तरह से OMR शीट जो है भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से OMR शीट सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही जो है यूज कर सकते हो। तो इसके बाद आपकी ये फीस है, यानी कि टोटल कितनी फीस रहेगी, क्या यानी कि ट्रेनिंग फीस कितनी है, एडमिशन फीस। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे डे स्कॉलर्स भी होते हैं, कुछ हॉस्टल में भी रहते हैं, तो अलग अलग जो है ये फीस का क्राइटेरिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी कितनी फीस रहने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। आपका कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।